पायल के इस ट्वीट पर बहुत से यूजर्स उन्हें ही घेरने लगे। लोग लिखने लगे कि बहन तू तो रहने ही दे। बाद में स्वरा ने भी पायल के ट्वीट पर जवाब दिया। ट्विटर पर स्वरा के जवाब की काफी तारीफ हो रही है तो कुछ लोग स्वरा को ट्रोल भी कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक दिया था वो लेडी जो 5 बच्चों की माँ थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, क्रिमिनल केस, एंड शी गॉट विक्ट्री बाय द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट हर हस्बैंड हैज टू पे हर एलिमनी। बट आप जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी इज एंटी वुमन, इज एंटी इंडियन मुस्लिम वुमन, क्योंकि ना वो ट्रिपल तलाक बिल पास होने देते हैं, ना वो हलाला के ऊपर कोई मूवमेंट करते हैं, ना वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ानी है और मुसलमान आदमियों के लिए काम करना है, दे आर रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट द मुस्लिम लेडीज। तो उस टाइम पे राजीव गांधी ने कोई मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 86 पास किया, जिसकी वजह से वो जो सुप्रीम कोर्ट की एलिमनी थी, जो लाइफ लॉन्ग एलिमनी थी, दैट गॉट रिड्यूस्ड टू 90 डेज। तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी वो पार्टी को छोड़ के शिवसेना ज्वाइन करती है, बिकॉज वो पार्टी फिर से रीइंस्टेट करती है उन गुंडों को जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। आप वही लेडी है ना जो शिवसेना के गुंडों को तालिबान से कंपेयर करती हैं। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि हैव यू लॉस्ट ऑल कॉमन सेंस, हैव यू बिकम सो डिफायंट, और आर यू एक्चुअली सो डम्ब दैट यू गो ऑन नेशनल टेलीविजन एंड टॉक सच गार्बेज दैट बीजेपी इज पॉलिटिसाइजिंग द सर्जिकल स्ट्राइक्स। दे वर आस्क्ड टू गिव प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक एंड दे डिड गिव प्रूफ, बिकॉज आपकी सरकार, जो आप सरकार को सपोर्ट करती है, वो सरकार तो बुजदिल थी, नामर्द थी, एंड उसने कभी लाइफ में कुछ नहीं किया, और अभी वो कहते हैं कि उन्होंने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए। तो अब आप उनसे प्रूफ क्यों नहीं मांगती कि मुझे आप प्रूफ दीजिए कांग्रेस सरकार कि आपने वो 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। आई नीड